आज हमारे रडार पर है हाई प्रेशर पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी मान इंडस्ट्रीज। हाल ही में कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे आए थे। Q3 में कंपनी की आय 14% बढ़ी और मुनाफा 2.5% बढ़ा है, जबकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। Q3 में कंपनी को 900 करोड़ के ऑर्डर्स भी मिले हैं। इस पर कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे, मौजूदा ऑर्डर बुक, आगे किस तरीके का प्लान है, आउटलुक क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर RC मनसुखानी साहब हमारे साथ शो में जुड़े हैं। मिस्टर मनसुखानी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। सर, पहले तो क्विकली हमें हाईलाइट्स बताइए, Q3 नंबर्स जो अच्छे दिख रहे हैं ओवरऑल ऑन द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट, क्या ये ट्रेंड्स कंटिन्यू होंगे और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या थे आपके Q3 के नंबर्स में, क्या हाईलाइट्स थे सर? गुड आफ्टरनून, द क्वार्टर वाज एज पर एक्सपेक्टेशन, वी अचीव्ड 635 करोड़ कंपेयर टू लास्ट ईयर 548 करोड़, करीब 16% की बढ़त रही है टर्नओवर में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने प्रॉफिट भी अच्छा, EBITDA भी 63 करोड़ किया। ये होते हुए भी हमारे जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है वो भारत सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिए, नए डिक्लेयर करने वाले हैं हमारे इस साल के एंड में, तो MEIS स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी, वो प्रॉफिट भी हमारा नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। एज रिगार्ड टू हमारा ये जो तीन महीने थे उसमें करीब करीब 900 करोड़ का हमारे को नए ऑर्डर आए। हमारे को हर क्वार्टर में कुछ 500-600 करोड़ रुपए के आते हैं ऑर्डर, ये 900 करोड़ पे आए हैं। और ऑर्डर बुक आज अभी की डेट में हमारे पास करीब 1100 करोड़ का ऑर्डर पेंडिंग है, जो अगले 5-6 महीने में पूरे हो जाएंगे। 20,000 करोड़ करीब के हमने नई बिट सबमिट करके रखी है और उसमें से हमारे को काफी अच्छे ऑर्डर आने की संभावना है। अलग अलग स्टेज की इवैल्यूएशन स्टेज पे है, मोस्ट ऑफ द ऑर्डर जो है हमारे आयल एंड गैस में है। एज रिगार्ड टू कंपनी फ्यूचर जी, हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेंडिंग इक्विपमेंट वो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा हमारा अभी अप्रैल में जी। और ERW जो हमने कुछ 170 करोड़ पे लगा के लगाया है जी, वो हमारा सेकंड क्वार्टर आप 2022-23 से शुरू हो जाएगा। ओके, ऑलराइट सर, तो 20,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स जो आप बता रहे हैं वो कंपनी बिड कर रही है आगे, और उसमें से ऑयल एंड गैस सबसे ज़्यादा यू नो फोकस में है, उनमें ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो आप बता रहे हैं, तो काफ़ी हेल्दी पाइपलाइन और ऑर्डर बुक है आगे की आपने जो बात बताई। बट मार्जिन सर, वहाँ पर प्रेशर जो देखने को मिला ऑब्वियसली राइजिंग कॉस्ट्स है उसकी वजह से दिख रहा है, क्या मार्जिन रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड विद द राइजिंग इनपुट कॉस्ट सर? किस तरह से हम नंबर्स देखेंगे आते हुए स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट सर? देखिए, मार्जिन में गए साल थोड़ा कमोडिटी पे थोड़ा इम्पेक्ट था, हमारे कंपनी में ज्यादा नहीं हुआ है जी। राधा देन हमारे को तो क्या है, जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिले उसका थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हमारे EBITDA वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। और हमारे को भविष्य में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल, तो 11-12% EBITDA वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चालू हो जाएंगे अगले महीने से, ERW प्लांट भी चालू हो जाएंगे। अभी हमारे कंपनी में बोरोइंग जो है नील है, कोई टर्म लोन हमारी कंपनी में जीरो है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जब जब लेती है हम ड्रा कर लेते हैं, तो कास्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होने वाली है। तो ओवरऑल सब मिला के कंपनी का टारगेट भी गए साल के लिए बेहतर है, करीब करीब हम सोच रहे हैं 25-30% ग्रोथ टर्नओवर में रहेगी इस साल में। 22 मैं बात कर रहा हूँ आपको, 22-23 की, 23-24 में हमारे फुल फ्लेज प्रोडक्शन आ जाएगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ अराउंड 50% और हम आज के लेवल से 50% रहेगी अगले साल में, और 25-30% ग्रोथ इमीडिएटली अगले 6-8 महीने में देखने को मिलेगी। ओके, 25-30% इमीडिएटली देखने को मिलेगा जैसा बता रहे सर। जिस तरह से मार्जिन्स पर ऑफकोर्स प्रेशर दिख रहा है इस वक्त, क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू रीनेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट्स, या आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है एट द फिक्स प्राइस एंड देयरफॉर मार्जिन्स पर हिट होगा? आगे क्या ट्रेंड्स दिखेंगे, आप नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे क्या वो एक क्लॉज रखेंगे सो दैट यू कैन रीनेगोशिएट एज पर द कमोडिटी पिक्चर? देखिए ऐसा है स्वाति जी कि हमारे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं और हमारी बाइंग भी फिक्स प्राइस रहती है,
तो हम स्पेकुलेशन नहीं करते हैं, पर अभी जो भाव बढ़ने थे साल डेढ़ साल वो बढ़ गए हैं, अभी मार्केट स्टेबल हैं और आगे आने वाले भी स्टेबल रहेंगे। हम हमारी पोजीशन बैक टू बैक रहती है, हमारे जो भी रॉ मटेरियल है बैक टू बैक बुक रहते हैं, तो वो हमारे को बहुत कम इम्पेक्ट होता है उन चीज़ों का। तो और कंपनी क्योंकि हाई वैल्यूएटेड प्रोडक्ट में जा रही है, टर्न ओवर बढ़ रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो छोटी मोटी अगर कोई कमोडिटी में कोई आता है तो उसका डायल्यूट हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए आने वाले वक्त में हमारे को उस बात की ज़्यादा चिंता नहीं है कि मार्जिन पर हमारा प्रेशर पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री में वो थोड़ा दिक्कत कम है, बाकी इंडस्ट्री में हो सकती है। इतनी तकलीफ की बात नहीं है, जहाँ तक मार्जिन्स की बात करें, रॉ मटेरियल प्राइसेस वो प्रेशर इतना नहीं दिख रहा है, तो आप कह रहे हैं वैसे भी कूल ऑफ हो रहा है तो इतना दिक्कत आएगी नहीं आगे। ऑर्डर बुक की हमने बात शुरू में सर थोड़ी सी की थी, पर थोड़ा सा विस्तार से इस बार बात करना चाहूँगी आपसे, समझना है कि क्या एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस है, कितनी ऑर्डर बुक इस साल के अंत तक ख़त्म होगी, अगले साल कितनी दिख रही है, थोड़ा सा ब्रेकअप हमें अगर बताएं सर, और कहाँ कहाँ पर आप L1 हैं, कौन से ऑर्डर्स में, और कमिंग क्वार्टर्स में क्या विजिबिलिटी दिख रही है, कितने अमाउंट की आने की ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 4 to 5 quarters। एट द टाइम ऑफ रिजल्ट हमारे पास 1100 करोड़ के ऑर्डर बुक पोजीशन थी, जो हमारे 5-6 महीने के लिए ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 1-1.5 महीना रहा है यहाँ पर अभी, तो ये क्वार्टर भी हमारा अच्छा जाएगा और अगला क्वार्टर भी ऑलरेडी बुक्ड है, अगला क्वार्टर भी ऑलरेडी बुक्ड है। उसके आगे आने वाले क्वार्टर के लिए हमारी पोजीशन कई जगह बहुत स्ट्रांग है। मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि L1 कहाँ पर है नहीं है, इट इज वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए बोलना। बाकी हमारी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, अगले साल की ऑर्डर बुक भी हमारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब जो ऑर्डर हैं अगले 1-1.5 महीने में मटेरियलाइज हो रहे हैं, तो नए साल की शुरुआत हमारी अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन से होगी और हायर मार्जिन होगा गए साल से। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं हमारे शेयर होल्डर के लिए। ओके, तो मार्जिन बेटर होंगे, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है आप कह रहे हैं, अगले साल की यानी कमिंग ईयर की में भी आपके पास अच्छी खासी पाइपलाइन है ऑर्डर्स की, आप ये उम्मीद जता रहे हैं। सर बजट पर एक बार फोकस करते हैं, हमने देखा अनाउंसमेंट्स आए काफ़ी, जो जिस तरह से कंपनी को बेनिफिट होगा, वाटर कनेक्शन फॉर 3.8 करोड़ हाउसेज, एग्री फोकस, रिवर लिंकिंग, सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स, क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस था इस बजट का, ग्रोथ की तरफ है, तो उसका क्या मायने है आपके जैसी कंपनी का, आप कितनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं उसकी वजह से जो अनाउंसमेंट्स आए? हमारे पास जो कैपेसिटी है वाटर पाइप की काफी अवेलेबल है, पर गवर्नमेंट की फंडमेंट की समस्याएं थी पिछले 2 साल तो ज्यादा थी, कोविड वगैरह में स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, ये नहीं थे, बट इसके बावजूद भी हमने अच्छा काम किया। अभी आने वाले वक्त में नल से जल जो इस भारत सरकार की स्कीम है उसमें आने वाले में 50,000 करोड़ की जगह 60,000 करोड़ रुपये का अलोकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके आने वाले वक्त में पॉजिटिव इफेक्ट ही आएंगे, तो हम उसको फैक्टर कर रहे हैं आगे आने वाले वक्त में, तो वो एडिशनल हमारे को बेनिफिट मिलेंगे। और जो अभी ऑयल प्राइसेस दुनिया में इतने बढ़ गए हैं, अभी तो ठीक है टाइमिंग 90-95 हो गया है, पर अगर आने वाले वक्त में 70-75-75-80 पे ये चलते रहे तो ग्रोथ पूरे दुनिया में ऑयल पाइपलाइन की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, इंडिया में भी रहेगी और इंटरनेशनल मार्केट में भी रहेगी, जहां हमारा इंटरनेशनल मार्केट में शेयर करीब करीब 50-60% होता है। इंटरनेशनल मार्केट्स की आप बात ही कर रहे थे सर, एक्सपोर्ट मार्केट्स में कहां पर ज़्यादा अच्छा ट्रैक्शन है, कोई नए मार्केट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई एंटर करेंगे, कहाँ पर आपको लग रहा है बिजनेस बेटर हो सकता है, कौन से चैलेंजिंग मार्केट्स हैं अभी? ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट देखते हैं अपने बिजनेस पर, कुछ प्रोजेक्ट्स या उसका कुछ इम्पैक्ट है आपको लगता है दिख सकता है? ऑर्डर बुक स्टेटस एक्सपोर्ट मार्केट्स की कैसी है? हाँ नहीं, जियोपॉलिटिकल रिलेशन जो भी प्रॉब्लम चल रही है दुनिया में, हम उससे बाहर हैं। हमारा मोस्टली मार्केट है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, जो हमारे अप्रूवल्स हैं और हमारे कितने साल तक हमने काम किया, 25 साल से हम उन पे काम कर रहे हैं मार्केट पे, तो हम वहाँ पर सेफ हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम क्लोजली बहुत काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वो सब रिफ्लेक्ट होगा, ऑर्डर बुक अच्छी होने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होने वाली है, तो हमारे को उनसे अभी कोई खतरा नहीं है, एक्सेप्ट जो टाइमिंग जो चल रही है, रुपीज फ्लक्चुएटिंग, स्टॉक मार्केट ठीक नहीं कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी हमारे बिजनेस में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है,
ऑयल के भाव $75 भी होंगे तो भी हमारी पोजीशन अच्छी रहने वाली है, 95 है तो भी अच्छी रहने वाली है, तो हम सबको फैक्टर करके चल रहे हैं। मिस्टर मंसूकानी, थोड़ी सी आपकी आपसे जानकारी चाहूंगी, करंट यूटिलाइजेशन लेवल्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स पर क्या रहेगा अगला साल FY23 की अगर हम बात करें, किस तरीके के कैपेक्स लाइंड अप है, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स अगर है तो क्या होंगे, वर्किंग कैपिटल के कोई कंसर्न्स तो नहीं है सर? वर्किंग कैपिटल हमारी बराबर असिस्ट की हुई है, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है कंपनी की, टर्म लोन हमारी कंपनी में कुछ है नहीं, तो देर इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ कैश इन कंपनी में। जो हमारी ऑर्डर बुक जो आ रही है, बता रहा मैं जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 महीने की ऑर्डर बुक के बाद हमारी जो नई इवोल्यूशन चल रही है हमें मिलेंगे, तो गए साल अगले साल में हमारे रेगुलर बिजनेस प्लस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और ERW का ऑपरेशन भी चालू हो जाएगा, कुछ महीने हमारे को उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि कम से कम जो ये टर्नओवर हमारा इस साल जो खत्म होगा उससे 25-30% की ग्रोथ 22-23 में होगी और 50% की ग्रोथ मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि अगले साल होगी इसी ऑपरेशन से। और कंपनी की यूटिलाइजेशन जो है, जैसे हमारे यहाँ लॉन्गिट्यूडनल पाइप हैं वो हमारी स्थिति काफ़ी 70-80% बुक्ड है, पानी के पाइप में हमारी पोजीशन अभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक नहीं है और आने वाले वक्त में बढ़ते जाएंगे काफ़ी। अभी भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए हैं, अब आने वाले वक्त में सब वो मैच्योर होते जाएंगे तो ऑर्डर बुक वो भी अच्छी हो जाएगी। ऑर्डर बुक अच्छी हो जाएगी, यहाँ पर अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं जिस तरह आपने बताया, क्या आउटलुक लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है उसका असर दिख रहा है। ऑल राइट मिस्टर मंसूकानी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें आपके नंबर्स पर बातचीत और आगे कंपनी के क्या हैं ग्रोथ प्लान उस पर चर्चा करने के लिए समय देने पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।